हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया है और चलिए देखते हैं आपका पेपर का ओवरव्यू। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्या आंसर थे पेपर के वो देखने वाले हैं। और आप बाद में कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने सही आए। इस बार पेपर में मैंने देखा एडमिशन ऑफ पार्टनर में उन्होंने जर्नल एंट्री पूछा था, इश्यू ऑफ शेयर का सम बहुत ही सिंपल पूछा था, नो चेंज, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं थे। और पहली बार इन्होंने चार पांच बोर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने पहली बार फाइनल अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने ही बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने ही नहीं बोला था। ठीक है, तो एनपीओ का भी सम देखा, बहुत सिंपल था। चलिए आपके ऑब्जेक्टिव्स का एक बार और देखो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब। इकोनॉमिक्स का पेपर अभी तक हमारा बाकी है, उसका भी हमको स्टडी करना है। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव्स में ऑड मैन आउट में सबसे पहला था सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप एंड इक्विटी, तो आपका इक्विटी शेयर आंसर था। बिल्डिंग बिल्स पेबल, फर्नीचर, मशीनरी बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटी है सर, बाकी असेट्स है। रिटेनिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्सिंग उसमें नोटिंग ऑफ बिल, उसके बाद में ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंस, सन्ड्री रिसीट्स। ठीक है, तो इसमें आपका सन्ड्री रिसीट्स आंसर था, बाकी सब एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में जनरल रिजर्व, क्रिएटर्स, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, बाकी सब लाइबिलिटीज में जाता है, पर इन्वेस्टमेंट इज योर असेट, असेट ये डिफरेंट है। आगे बात करेंगे, डू यू एग्री और डिसएग्री में था, नॉन प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो गलत बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना होता है, तो ये आपका डिसएग्री हो जाएगा। करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, तो ये भी डिसएग्री हो जाएगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंडीशनल नहीं अनकंडीशनल ऑर्डर, ये भी डिसएग्री हो जाएगा। आगे रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल टू शेयर इन रिजर्व फंड, यस ये एग्री है। ऑन डिसोल्यूशन कैश और बैंक ऑटोमेटिकली क्लोज, यस ये भी आपको एग्री लिखना है। ठीक है, आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन असेट लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है आपको, विच अकाउंट सर, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आगे इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर 6% है सर। आगे इफ द असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, इट विल बी अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट होता है सर। आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आपको बताना है मुझे कितना आपने ऑब्जेक्टिव सही करके आए हो। आंसर इन वन वर्ड था, टेली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इन टू डैश कैटेगरी, तो मर्केंटाइल कैटेगरी था सर इसका आंसर आपका। ठीक है, उसके बाद भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म इट इज योर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, उसके बाद एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली इज योर लिक्विड असेट। उसके बाद अ पर्सन हु रिप्रेजेंट दिस इज पार्टनर इज एग्जीक्यूटर होता है सर, वो अपन एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं उसका बैलेंस। द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट साइड, ओके डेफिसिट, इसको ये डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, सरप्लस डेफिसिट, ये डेफिसिट कहलाएगा। और ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स का आंसर। आगे मैंने ओवरव्यू में आपको बताया, पेपर वॉज सिंपल। ऑब्जेक्टिव्स में आपने कितना स्कोर किया है वो जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे हमको सेम इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन चालू रखना है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।